हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया पालक के कोफ्ते। मेन इंग्रेडिएंट्स में हैं बॉइल्ड सोया चंक्स, ब्लांच करे हुए पालक के पत्ते, कद्दूकस किया हुआ प्याज, कद्दूकस करा हुआ लहसुन अदरक, कद्दूकस करा हुआ टमाटर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, एक उबला हुआ आलू, सोया को मिक्सर में पीस लेते हैं। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें एक आलू डालेंगे उबला हुआ, उसे मैश कर लेते हैं। दो चम्मच मैदा डालेंगे, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे पालक, अदरक और लहसुन, और अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसके बॉल्स रेडी कर लेते हैं। ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। सोया पालक के कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। इसे धीमी आंच पर ही पकाएं। अभी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। अब ये रेडी है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। दूसरा बैच भी ऐसे ही निकाल लेंगे। अभी एकदम बनकर रेडी है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। एक पैन में ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, तेज पत्ता, अभी अच्छे से क्रैकल कर रहा है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज अब अच्छे से हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, अब हम स्पाइसेस मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पानी डालेंगे।
टमाटर डालेंगे। तो न्यूट्री पालक कोफ्ता की ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है। ग्रेवी से अच्छे से ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर हम डालेंगे एक गिलास पानी। और इसे अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। धनिया पाउडर, अब अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और ग्रेवी भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें मिला लेते हैं सोया पालक के कोफ्ते। गैस को ऑफ कर लेते हैं और हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सोया पालक का कोफ्ता बनकर एकदम रेडी है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं धनिया पत्ती के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।